करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। पास्चुराइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग एवरी पार्टिकल ऑफ मिल्क टू एट लीस्ट 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट और 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड और टू एनी टेम्परेचर टाइम कॉम्बिनेशन विच इज इक्वली एफिशियंट इन ए प्रॉपरली ऑपरेटेड इक्विपमेंट आफ्टर पास्चुराइजेशन द मिल्क इज इमीडिएटली कूल टू 5 डिग्री सेल्सियस और बिलो। इसका मतलब पास्चुराइजेशन में पहले दूध को लगभग LTLT यानी 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए या फिर STST यानी 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए गर्म करना होता है, फिर एकदम से 5 डिग्री सेल्सियस या इससे भी कम पर ठंडा करना होता है, जिससे ताजे दूध में मौजूद सभी पैथोजेंस मर जाते हैं और दूध लंबे समय तक स्पॉइल नहीं होता। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पास्चुराइजेशन। पहली इंपॉर्टेंस है दूध को ह्यूमन कंजप्शन के लिए सेफ बनाना। दूसरी इंपॉर्टेंस है दूध के पैथोजेंस को मार कर दूध की कीपिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करना। पास्चुराइजेशन की एडवांटेज के साथ साथ इसकी कुछ लिमिटेशंस और ड्रॉबैक भी होती हैं, जैसे पास्चुराइजेशन करने से रेनेटिंग टाइम बढ़ जाता है, मतलब चीज बनाने के लिए दूध में डाले जाने वाले रेनेट एंजाइम का एक्शन स्लो हो जाता है, जिससे चीज सही से नहीं बन पाता। पास्चुराइजेशन केवल पैथोजन को किल करता है, बैक्टीरिया द्वारा बनाए गए बैक्टीरियल टॉक्सिन्स को पास्चुराइजेशन नष्ट नहीं कर पाता।